بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am Abdul Qayoom from FEI Naugam. Welcome to all of you in the online classes of FEI. Dear students, in previous lecture we have discussed about potential energy, and today our topic is kinetic energy. आज हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी पे. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं. काइनेटिक एनर्जी, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज द एबिलिटी टू डू वर्क एंड देयर फोर हैज एनर्जी. डियर स्टूडेंट्स, जब एक ऑब्जेक्ट, जब एक बॉडी मोशन में होता है तो उसको एबिलिटी होती है काम करने की. एज यू नो दैट द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी एंड देयरफॉर इट हैज एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. वी कैन ऑल्सो से दैट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज द एबिलिटी टू डू वर्क and therefore has energy. This energy that object possesses due to their motion is called as kinetic energy. This energy that objects possess due to their motion is called as kinetic energy. Is called as kinetic energy. We can also define kinetic energy like as the energy by virtue of motion. The energy by virtue of motion is called as kinetic energy. Is called as kinetic energy. This kinetic energy is denoted by K E or E K. यहाँ पे E capital, यहाँ पे K small. E K. Okay. यहाँ पे अगर हम एक object लेंगे, यहाँ पे अगर ये मोशन में है तो ये यहाँ पे पहुंचेगा पॉइंट बी पे, यहाँ पे पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट है. तो दिस ऑब्जेक्ट पॉजिस काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी. फॉर एग्जांपल, मूविंग बस पॉजिस काइनेटिक एनर्जी, फ्लोइंग वाटर पॉजिस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकली, जो काइनेटिक एनर्जी है, मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वन बाई टू एम वी स्क्वायर. तो इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ओके, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, दैट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. तो इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि thus if we double the mass, kinetic energy also doubles, and if we decrease the mass, kinetic energy also decreases. Kinetic energy dependent hai yahan pe two factors pe, ek to mass of body aur velocity of body pe. Agar mass increase kiya jayega to kinetic energy bhi increase ho jayegi, agar velocity increase karenge to kinetic energy bhi increase ho jayegi. तो अब हम डिराइव करेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे आपको बताई कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ ऑफ एम स्क्वायर, ये अब हम डिराइव करेंगे. डिराइवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ ऑफ एम स्क्वायर. लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम. हम एक बॉडी को कंसीडर करेंगे लाइंग एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट. ओके, लेट ए फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन द बॉडी. इस बॉडी पे हम फोर्स एफ अप्लाई करेंगे. लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी बी एस. इस बॉडी ने आप डिस्टेंस कवर की से एस. देन वी हैव वर्क डन इक्वल देन वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस. वर्क डन किसके बराबर है? एफ इंटू एस के बराबर है. ऑन अप्लाइंग फोर्स द बॉडी अटेन्स एक्सेलरेशन. जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अटेन करेगी एक्सेलरेशन भी. उस एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे. वी नो दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ. सो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, दैट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन. सो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस,
W, we know that W is greater than F into S. तो अब हम F का value यहाँ पे put करेंगे इस equation में. W equal to F के बदले M into A और यहाँ पे S अपना ही S. इसको हम equation first नाम देंगे. From third equation of motion, from third equation of motion, we know that V square minus U square equal to 2AS. अब चूंकि body initially rest पे है, so initial velocity of the body is 0. So V square minus 0 equal to 2AS. V square यहाँ पे 0 तो 0, तो अब हम इसको cancel ही करेंगे. V square equal to 2AS. अब हम S यहाँ से निकालेंगे. S equal to V square divided by 2A. इस S को हमें यहाँ पे लिखना है. S equal to V square, तो यहाँ पे आएगा और 2A denominator में चला जाएगा. वो S equal to V square divided by 2A. Okay. Putting the value of S in equation first. अब हम equation first में S का value put करेंगे. We get W equal to M into A into, तो S का value V square divided by 2A. This A and A will be cancelled. W equal to m v square divided by 2. So W equal to half of m v square. ये मैंने यहाँ पे लाया तो 1 by 2 m v square. Okay, so kinetic energy equal to half of m v square. Hence derived, तो ये हमने derive किया kinetic energy. Again, I repeat this point that the kinetic energy of a body depends upon mass and velocity of the body. Kinetic energy दो factors पे depend करती है, mass of body and velocity of body पे. If mass of body is doubled, its kinetic energy also gets doubled. ये आपको याद रखना है. If mass of body is doubled, its kinetic energy also gets doubled. If mass of body is halved, its kinetic energy also gets halved. अगर हम half mass करेंगे एक body का, तो उसकी जो kinetic energy वो भी half चला जाएगा. If velocity is doubled, अगर velocity double किया जाएगा, its kinetic energy becomes 4 times. तो kinetic energy will become 4 times because velocity, ये kinetic energy में square है वहाँ पे, तो इसलिए 4 times increase हो जाएगा अगर velocity double किया जाएगा. And if velocity is halved, अगर velocity half किया जाएगा, then kinetic energy becomes 1/4, तो 1/4 kinetic energy बन जाएगी. और अब हम इस पे एक numerical करेंगे kinetic energy पे. Dear students, calculate the kinetic energy of a body. Kinetic energy आपको निकालनी है. Of mass 2 kg. Body का mass जो है वो 2 kg है. Moving with velocity of 0.1 meter per second. जो velocity है body की वो 0.1 meter per second है. तो given आपको यहाँ पे लिखना है. Given mass m equal to 2 kg and velocity v equal to 0.1 meter per second. ये भी given है. So we know that kinetic energy half of mv square. तो अब आपको value देना यहाँ पे. Kinetic energy half of m का value है 2 और velocity का है 0.1 ऊपर square. Kinetic energy equal to 0.01 ये joule. ये 2 and 2 cancel और 0.1 को दो बार multiply करके you will get 0.01 J. J represents joule. So the SI unit of energy is joule. Here the SI unit of kinetic energy is also joule because kinetic energy is also energy. तो अब हम ये एक numerical करेंगे जो कि related है potential energy पे. Okay, if acceleration due to gravity is 10 meter per second square, acceleration due to gravity का value क्या है, 10 meter per second square, what will be the potential energy of a body of mass 1 kg kept at a height of 5 meter? Dear students, इस question में आपको potential energy निकालनी है. तो जो acceleration due to gravity वो 9.8 meter per second square होता है, लेकिन इस question में उसका value दिया गया है कि 10 meter per second square acceleration due to gravity. That means g, you have to take acceleration due to gravity 10 meter per second square. और जो body, जो height है यहाँ पे वो है 5 meter. आपको पता है कि g represents acceleration due to gravity, so given g is equal to 10 meter per second square and mass of body m is equal to 1 kg. Height ka value bhi hai 5 meter. Therefore we know that potential energy p dot e, potential energy equal to mgh. m ka value 1, g ka value 10
और एच का वैल्यू 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 50 जूल. जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो एनर्जी अ टाइप ऑफ एनर्जी हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 50 जूल. आई होप डियर स्टूडेंट्स यू गॉट इट. ये न्यूमेरिकल मैंने ये जो न्यूमेरिकल मैंने आप यहाँ पे आपको दिखाई ये तो रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी के साथ. तो यहाँ पे मैंने ऐड किया ये न्यूमेरिकल. इसीलिए आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द टॉपिक्स यू विल पुट योर क्वेरीज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स एज मैनेज्ड बाय योर फॉर्म टीचर्स. वी विल ट्राई आवर बेस्ट इंशाल्लाह टू गाइड यू एंड टू and we will try our best to guide you and to remove your problems. Dear students, stay safe, stay blessed.